रिव्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर लॉकडाउन नहीं चाहिए तो नियमों का पालन करें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जनता से अपील। कोविड के 8,774 नए मामले आए, गौतम गंभीर को तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रोकथाम के उपायों के संबंध में रविवार को बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि यदि एक बार फिर संक्रमण बढ़ता है तो लॉकडाउन जैसा कदम वहनीय नहीं होगा, इसलिए लोगों को दृढ़ संकल्प के साथ नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि नए वायरस के खतरे को देखते हुए सभी जिला प्रशासन केंद्र के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना आवश्यक कदम उठाए। दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों को 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा और इस संदर्भ में केंद्र के परामर्श से निर्णय किया जाएगा। केवल आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव वाले लोगों को ही देश में तथा राज्य के भीतर यात्रा करने की अनुमति दिए जाने की संभावना है। अगली खबर, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,774 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,72,523 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,05,691 रह गई है, जो 543 दिन में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महामारी के 221 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,68,554 हो गई है। कोरोना के रोज आने वाले मामलों में लगातार 51 दिनों से 20,000 से कम और लगातार 154वें दिन 50,000 से कम है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.31% है और मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। अगली खबर, पूर्व क्रिकेट और भाजपा के नेता गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर ने जान से मारने की एक बार फिर शनिवार देर रात धमकी दी। सांसद गंभीर को पिछले 6 दिनों में तीसरी बार इस प्रकार की धमकी मिली है। गंभीर को शनिवार देर रात 1:37 पर एक ईमेल मिला जिसमें लिखा है कि आपकी दिल्ली पुलिस और आईपीएस का अधिकारी श्वेता कुछ नहीं उकाड़ सकती, उनके जासूस पुलिस में भी है, और ईमेल में यह भी लिखा था कि उनके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें ईमेल की विषय वस्तु प्राप्त हो गई है और इस मामले की जांच जारी है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।